Welcome to our YouTube channel, Queen Simple Unique Recipes Cooking Secret. Subscribe our YouTube channel, like and share our videos with your friends and family. Do press the bell icon to get daily notification of our latest video. Do tell us how you liked our videos, our recipes. We are waiting to hear from you. Good morning, dosto. और पब्लिक डिमांड आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ ये दाल का बड़ी बड़ी मतलब जो मच्छी के तरी या मीट वेजिटेबल में अक्सर हम लोग देते हैं तो दो तरह का मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी इसलिए मैं कल रात को थोड़ा सा दाल लेके ये है धुली हुई उड़द तो भिगो के रखा अभी इसको पीसना है तो सिलपट्टे में अगर पीसोगे तो बिना पानी के ही पीस लेना और मिक्सी में दोगे तो थोड़ा पानी देना पड़ेगा लेकिन ये भी हिसाब से जितना पानी दोगे उतना ड्राई होने में समय लगेगा और ज़्यादा पानी होने से ये बताशे जैसे बन जाएगा तो कितना पानी देना है आप लोगों को मैं अभी जब पीसूंगी तब दिखाऊंगी अभी ये देखिए आधा मैंने लिया थोड़ा ही बनाना है थोड़ा थोड़ा करके पहले पानी दीजिए पीसने के बाद धीरे धीरे बढ़ाइएगा जितना ज़रूरत होगा देखिए अभी थोड़ा हुआ ना इसलिए ये मिक्सी हिल रहा है अभी इसको खोल के ऊपर नीचे कर दीजिए तब आपको पता चलेगा पानी चाहिए कि नहीं नीचे ना देखिए रह गया है सिलबट्टा में पिसोगे तो ना ये ना बहुत सी पानी होता है इस वजह से बार बार बंद करिए एक बार खोलिए क्योंकि सिलबट्टा में पिसोगे सी पानी की वजह से बहुत मेहनत होगा मैंने ये थोड़ा सा पीस लिया जितना भिगा था आधा पीसा ठीक है और ये जो मिक्स वेजिटेबल है इसमें दे सकते हो ये बड़ी आप मिक्स वेजिटेबल में भी दे सकते हो और मछली में भी दे सकते हो तो इसमें ना सौंफ चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ऐसे फिटाइए आप देखिए हाथ का हालात चिप चिप करता है इसलिए लोग बाजार से लेके खाते हैं आपका जितना बड़ा चाहिए आप उतना दो थोड़ा थोड़ा करके दीजिए बाजार से खाना बंद करिए ये देखिए आपको मैंने दिखाया कितने कम में कितना हो जाएगा और गर्मी के मौसम में छोटा छोटा ये प्लेट में दे दीजिए हाँ दो तीन महीना अभी गर्मी है जब बरसात का मौसम होगा तब नहीं होगा सर्दी में आप दे सकते हो सूखने में चार दिन लगेगा और हमारे इधर तो बहुत ठंड होते है तो प्योर दाल का है बाजार से लोगे तो आधा चावल देगा आधा दाल देगा थोड़ा बड़ा भी कर सकता मैं दिखा देती हूँ लेकिन ये ठीक है ठीक साइज है थोड़ा दोगे तो मेहनत कम होगा भाई को बोलोगे तो सिलबट्टे में पीस देगा पता नहीं देगा कि नहीं मिक्सी में पीसना अलग झंझट है पानी ज़्यादा होने से ना बताशा बन जाएगा और एक तरह का मैं दिखाऊंगी इसको खत्म करके वो सिर्फ अदरक और जीरा का जो मछली बनता है रिवर फिश का नॉर्थ सी फिश का वो जैसे रूहू कतला बाटा उसमें देने के लिए वो मैं दूंगी हींग उसमें सौंफ नहीं आएगा सिर्फ हींग आएगा इतना बढ़िया लगता है जब मच्छी का तरी उसमें जाता है तो मेरी बेटी तो सारा पहले से उठा उठा के खा लेगी किसी को नहीं मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके दीजिए अगर आप कर सकते हो तो ज्यादा करो आप बोलोगे मैम ये तो सर्दी के मौसम में हम लोग अक्सर देते हैं जो लेडी देते हैं लेकिन सर्दी के मौसम में अभी देना मैंने बंद कर दिया क्योंकि वो चार दिन में लाल लाल हो जाता है सफेद नहीं रहता मैं अप्रैल और मई के महीने में मैं देती हूँ अब जल्दी सूख जाता है कारण यही है थोड़ा सा हींग दीजिएगा मैंने किचन के पत्थर में थोड़ा सा क्योंकि देखिए क्वांटिटी कितना कम है तो देखे ना पत्थर में आप ऐसा ऐसा करिए हींग नरम होता है ज्यादा मत दीजिए कड़वा हो जाएगा मैं देखा देती हूँ ये देखिए चिपक गया है अगर आपके पास वो रेडीमेड हींग जो चुराई मिलता है वो है तो दीजिए मेरे पास यही है तो इसको मिला दीजिए बहुत अच्छा बनता है पापदा मच्छ का तरी वाला पापदा जो फिश टेंगरा रोहू ये मैंने हींग देके इसको फेंट लिया ये अभी ऐसे कर दीजिए मेरे लाइफ पार्टनर शुरू शुरू में जब पानी ज़्यादा हो जाता था बोलता था बाहर जाके देखो तुम्हारा बड़ी तो लेट गया है
खुद को कुछ करना नहीं आता। एक बार बुखार हुआ, बोला चावल बना दो, तो मैंने दिखाया था चावल बनाना, तो स्लांट करके रख दिया। 5 मिनट बाद जाके देखा सारा गिर गया चावल पूरा, फिर गुस्सा हो गया, मैं बाहर से मंगवा देती हूँ देता हूँ बोला। तो खुद को नहीं आता तो बोलता है कि तुम्हारा बड़ी तो लेट रहा है, आराम से धूप में लेट रहा है तुम्हारा बड़ी, इसलिए पानी कम दीजिए। देखिए मैंने धूप में डाल दिया, पाल आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए मेरा बड़ी तैयार है, एक दिन मैंने धूप में डाला था, उस दिन ही सूख गया था, बहुत गर्मी है, तो दूसरे दिन मैंने थोड़ा और इसको धूप खिलाया। तो देखिए ये जब ये छोड़ देगा ना बर्तन से, देखिए छोड़ दिया है, जब छोड़ देगा देखिए ये भी छोड़ दिया। ये वाला था सौंफ वाला, ठीक है, हम लोग बांग्ला में बोलते हैं मौड़ी, तो सौंफ वाला ये थाली में, और ये है हिंग वाला, ये स्पेशली मच्छी के लिए, रिवर फिश के लिए। देखिए जब छोड़ देगा अपने आप, नहीं ऐसे ऐसे नहीं करना, जब अपने आप छोड़ देगा देखिए अच्छी तरह से सूख गया है, जब अपने आप छोड़ देगा ये थाली, अपने आप बड़ी छोड़ देगा, तब इसको डब्बे में अच्छी करके एयर टाइट डब्बे में भर के अलग अलग रखिए, और निशान लगा के रखिए कि किस में कौन सा बड़ी है, किस में है हिंग वाला, किस में है सौंफ वाला। तो आप लोग जरूर बनाइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।